नमस्कार, मैं पूजा झा और आप देख रहे हैं लाइव खबर। चलिए एक नजर डालते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरों पर। यूपी के बुलंदशहर में जिला पंचायत ने एक जन चौपाल का आयोजन किया, जिसमें पंचायत के अध्यक्ष ने ग्रामीणों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। दरअसल ये चौपाल मोदी सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई थी। वहीं इस चौपाल का किसी स्थानीय नागरिक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद से भाजपा नेताओं में हड़कंप मच गया। इसके अलावा इस जन चौपाल में ग्रामीणों ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों के दावों की पोल खोली और उज्ज्वला गैस कनेक्शन, सौभाग्य कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, राशन आदि में अधिकारियों पर खुलेआम रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद हत्या से नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। वहीं प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को भाकियों का भी समर्थन मिला। दरअसल ग्रामीणों ने पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया है। वहीं जाम की सूचना मिलने के बाद कई थाना क्षेत्रों की पुलिस सीओ के साथ मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। वहीं इस बारे में SP विपिन कुमार मिश्र ने बताया कि मामूली विवाद के चलते दो युवकों में मारपीट हो गई थी, जिसमें एक युवक घायल हो गया। वहीं घायल युवक को अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। देश में 251 रुपए का सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च कर सुर्खियों में आए रिंगिंग बेल्स कंपनी के MD मोहित गोयल समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्होंने मोहित गोयल और उसके साथियों को किसी धोखाधड़ी नहीं बल्कि दुष्कर्म के मामले को रफा दफा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल मोहित गोयल पर आरोप है कि उन्होंने एक दुष्कर्म के केस को वापस लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर 2 लोगों के साथ जबरन वसूली की, जिसके आरोप में दिल्ली पुलिस ने उन्हें दर दबोचा है। कासगंज के गांव प्रहलादपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसके चलते एक पक्ष के 40 वर्षीय युवक की भाला मारकर हत्या कर दी गई। साथ ही उसी पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की सूचना पाकर SP पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी लेकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इसी बात को लेकर परिवार के 2 सदस्यों के बीच में वाद विवाद हुआ, उसी वाद विवाद में बाकी लोग सम्मिलित हुए, उसी दौरान मारपीट में एक युवक की हत्या हो गई। पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया, शेष जो विधिक कार्रवाई है उसे संपन्न कर। मथुरा में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में निजी सुरक्षा कर्मियों ने दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। श्रद्धालुओं का आरोप है कि सुरक्षा कर्मी बड़ी संख्या में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को संभालने में नाकाम हो रही थी, जिसके चलते उन्होंने श्रद्धालुओं पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। बता दें कि मंदिर में गलती से एक युवक लेडीज लाइन में घुस गया, जिसके चलते मंदिर में तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों ने युवक के साथ मारपीट की। वहीं भीड़ में किसी ने इस मारपीट का वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं जब पुलिस के आला अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। बदायूं में पुलिस ने भारत में अवैध तरीके से रह रहे 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग भारत में करीब पिछले 12 साल से रह रहे थे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने गांव में रहते हुए वहां के आधार पर अपना आधार कार्ड और पासबुक तक बनवा लिया है। वहीं पुलिस ने दोनों बांग्लादेशियों पर आतंकी गतिविधियों की आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस ने इनकी जानकारी खुफिया एजेंसी को दे दी है, जहां उन दोनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं इस बारे में SP सिटी जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों बांग्लादेशियों के पास से जो भी कागजात मिले हैं वो जांच में फर्जी पाए गए हैं। अब आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अप्लाई किया तो ये विस्तृत जांच कराई गई तो मालूम पड़ा कि भारतीय नागरिक नहीं होगी, बांग्लादेशी, और जांच के दौरान इसकी पुष्टि हो गई तो उनकी पंजीकृत किया गया है। इसमें पुरुष है और एक महिला, ये दोनों बांग्लादेश के रहने वाले। मथुरा में थाना कोसी कला क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिजली का पोल गिरने से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि अवैध खनन में प्रयोग किए जा रहे ट्रक की वजह से करीब आधा दर्जन विद्युत के पोल टूटकर गिर गए, जिसके कारण लोग बाल बाल बचे। वहीं इस हादसे की सूचना बिजली विभाग को भी दी गई, लेकिन सूचना देने के कई घंटों बाद तक कोई विद्युत कर्मी वहां नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस को कई बार अवैध खनन की सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस ने खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 5 खम्भे टूटे रात को 12 बजे, ना तो 1.5 घंटे तक बिजली वालों ने सुनवाई की, न
ना पुलिस भी आई उसी जगह। ये हाईवे जा रहा था निकल के सड़क पर, उसमें तार हिलते हैं उस तरीके से टूटा है ना, तो कोई जगह सरकारी डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी नहीं आया। मिट्टी का हाईवा था, मिट्टी में अवैध चलते हैं वो लोग, एक ऊपर एक हवा उठा के चला रहे थे जबरदस्त। हाईवा खुला रहेगा, खुला हाईवा था, उसका टेम्पर खुला हुआ था। मथुरा के थाना यमुना पार क्षेत्र में दो लड़कियों का आपस में शादी करने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल पार्लर में काम करने वाली दो युवतियां आपस में शादी करना चाहती हैं। युवतियों का कहना है कि अगर इनकी शादी एक दूसरे के साथ नहीं हुई तो दोनों आत्महत्या कर लेंगी। बताया जा रहा है कि दोनों युवतियों का प्रेम प्रसंग करीब 3 साल से चल रहा है। बता दें कि इनमें से एक युवती का रहन सहन और पहनावा लड़कों की तरह है और दोनों लड़कियां एक दूसरे को पसंद करती हैं और आपस में शादी करना चाहती हैं। इसी बात को लेकर दोनों थाने पहुंची और पुलिस से अपनी शादी कराने की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने युवतियों के परिजनों को सूचना दी। वहीं थाने पहुंचे परिजनों ने दोनों की शादी कराने से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस के काफी समझाने के बाद भी ये दोनों लड़कियां उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें छात्र और टीचर समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल ये छात्र बसों में सवार होकर हरिद्वार टूर पर घूमने के लिए जा रहे थे कि तभी अचानक लखनऊ से आ रही एक रोडवेज बस ने स्कूल बस को जोरदार टक्कर मार दी और सड़क पर खड़े छात्रों को रौंदती हुई निकल गई। वहीं हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक छात्रों और घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र में एक मंचले से तंग आकर एक युवती ने SSP ऑफिस के बाहर आत्महत्या करने की कोशिश की। युवती का आरोप है कि मंचले ने उसका जीना दुश्वार कर रखा है। इतना ही नहीं, मंचले ने उसके साथ दुष्कर्म का भी प्रयास किया और जब पीड़िता ने पुलिस से मंचले की शिकायत की तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे परेशान होकर उसने SSP ऑफिस के बाहर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह उसे बचा लिया। वहीं इस बारे में SSP का कहना है कि ये दो पक्षों के बीच का झगड़ा है और युवती झूठा मुकदमा लिखवाना चाहती है। फिलहाल मामले की जाँच के आदेश दिए गए हैं और जाँच के बाद जो भी सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शुद्ध रूप से आपसी विवाद में ना लेकर एक दूसरे को फंसाने के लिए ये दबाव बना रहे हैं कि जो इनका विपक्षी है उसके विरुद्ध छेड़खानी का या रेपका मुकदमा लिखा गया। इन्होंने जो NCR लिखी, जो एप्लीकेशन दी थी आपसी महिलाओं के विवाद की, वो पंजीकृत कर ली गई। जिन लोगों से झगड़ा हुआ था उनका थाने पर लाया गया, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई और जिस पे आरोप लगा रहे हैं इनकी तरफ के लोग उसकी मोटरसाइकिल छीन के ले आए, मोटरसाइकिल वापस नहीं कर रहे हैं और एक सिर्फ दबाव बनाने के लिए कि उसके विरुद्ध छेड़खानी का मुकदमा कायम कर दिया जाए, यहाँ इस तरह की बात की गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए लाइव खबर।